जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में पर हेलो गाइज यार, आज के एक और नए वीडियो के साथ। तो आज वाली वीडियो में हम बात करेंगे लैग फिक्स के बारे में, जो टिप्स जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ और उससे लैग फिक्स होगा आपका 70% 60% के करीब लैग फिक्स होगा। और मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस वीडियो में कोई भी जेएफएक्स टूल फाइल वगैरह का यूज़ नहीं हुआ है, ओनली जेन्युइन ट्रिक है जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ, जिससे आपका 70-75% के करीब कुछ तो लैग फिक्स हो ही जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले बात आती है कि अपनी गेम ग्राफिक्स क्या है। सो मेरी है 40 FPS, आप लोग ही देख लेना 30, 20, 40 कौन कितनी FPS है। और गाइस यार, नीचे जाने के बाद अपने ब्राइटनेस को देख लेना कितनी है। 130 एकदम बेस्ट रहती है, क्योंकि इसके अंदर लैग नहीं होता। कई बंदे 100 रखते हैं, 100 नहीं रखनी चाहिए। TDM खेलो तो चलता है, लेकिन क्लासिक में नहीं होता, क्योंकि मेरा खुद का 100 में लैग करता है, इसलिए मैं 130 करता हूँ या इससे ज़्यादा रख लो। लेकिन इस ज़्यादा रखेंगे तो बैटरी भी खाएगा डिवाइस। सो और अब चलते हैं अपने टिप नंबर सेकंड पे। टिप नंबर सेकंड है जो अपन फालतू की एप्लीकेशन जो डाउनलोड है फ़ोन के अंदर, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया और अदर एप्लीकेशन जो फ़ोन के अंदर फालतू में है, उनको हटा दो। क्योंकि गाइस फालतू में उन एप्लीकेशन की वजह से स्टोरेज भी फुल होता है, डिवाइस लैग मारता है, इसलिए जितना ज़्यादा अपना स्टोरेज खाली होगा उतना ज़्यादा लैग कम होगा। तो चलते हैं अब अपनी टिप नंबर थर्ड पे। सो टिप नंबर थर्ड में है क्या, जो अपन इंस्टाग्राम पे रील्स और यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और अदर एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं, जो उनके अंदर स्टोरेज सेव होता है, जैसे कैश हो गया वगैरह, उनको क्लियर के डेटा कर दो जो फालतू एप्लीकेशन है, जैसे कि इसमें मैं कर रहा हूँ मेरे फालतू के एप्लीकेशन से। ऐसे ही अपना स्टोरेज भी क्लियर कर दो। आपको बताया ना, जितना ज़्यादा स्टोरेज क्लियर होगा उतना ज़्यादा लैग फिक्स होगा। तो चलते हैं टिप नंबर फोर पे। उसके अंदर क्या है, आपको डेवलपर ऑप्शन पे आ जाना है। और इसके अंदर आने के बाद नीचे देखो एक ऑप्शन होगा स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट में जाके आपको नो स्टैंडर्ड लिमिट कर देना, ताकि क्या होगा आपके बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन होगी वो रनिंग नहीं करेगी। इससे क्या होगा कि अपने डिवाइस पे ओवरलोड नहीं पड़ेगा और गेम एकदम स्मूथ चलेगा। और अगर आप जेएफएक्स टूल वगैरह यूज़ करते हो तो उसे बंद कर दो, क्योंकि गाइस उससे आईडी तो बैन होगी लेकिन आप पे फ़ोन पे भी लोड पड़ेगा, तो इसीलिए जेएफएक्स टूल ना यूज़ करो तो सही रहेगा। तो बस इतना ही था वीडियो में। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक बटन को प्रेस कर दो।